और जोशीमठ के रैरी गांव में आई आपदा के बाद से ही रेस्क्यू अभियान जारी है। वहीं ऋषिगंगा वैली में बनी झील को लेकर राज्य सरकार और वैज्ञानिकों के बीच मंथन भी जारी है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ऋषिगंगा वैली में बनी झील से जो रिसाव हो रहा है वो झील खतरनाक नहीं है, लेकिन भविष्य के खतरों को देखते हुए राज्य सरकार इस झील को खाली कराने पर विचार कर रही है। जोशीमठ के रैनी गांव में आई आपदा ने आज प्रदेश को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। हालत यह है कि जोशीमठ में अभी भी बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन बचाव कार्य के बीच अब प्रदेश सरकार जल्द ही एक बड़ा फैसला ले सकती है। तपोवन त्रासदी के घाव भरने में लंबा वक्त लगेगा। नीति घाटी में दहशत अभी कायम है। ऋषिगंगा वैली में बनी झील भी डरा रही है। हालांकि झील में हो रहे रिसाव को अच्छा माना जा रहा है, साथ ही साथ जरूरत पड़ी तो झील खाली करवाने में राज्य सरकार केंद्रीय संस्थानों की मदद भी ले सकती है। स्पष्ट आकलन नहीं है अभी, लेकिन ये नुकसान जो है वो 1500 करोड़ 2000 करोड़ के आसपास है। तपोवन त्रासदी के बाद उत्तराखंड सरकार बेहद संजीदा हो गई है। पहाड़, ग्लेशियर और जमीन के जानकारों की रिपोर्ट का भी अध्ययन किया जा रहा है। वहीं आने वाले वक्त में हिमालय के इस इलाके में जल्द ही नदी, पहाड़ और ग्लेशियर के मिजाज को समझने के लिए एक इंस्टीट्यूट स्थापना का भी प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है। अभी झील स्टेबल है, झील से रिसाव हो रहा है और रिसाव होना अच्छा है। वो हमारा प्रयास होगा कि झील जो है वो खाली कर दिया जाए। एक प्रस्ताव है कि यहाँ पर एक ग्लेशियर मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाए और ग्लेशियर्स की लगातार मॉनिटरिंग हो, वो प्रस्ताव भी बन रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। चमोली की नीति घाटी तपोवन त्रासदी का दंश झेल रही है और लगातार वहां पर बचाव कार्य भी चल रहा है। वहीं आपदा से हुए नुकसान का जोड़ घटाव भी अब शुरू हो गया है। हालांकि तपोवन त्रासदी में 1500 से 2000 करोड़ के नुकसान की संभावनाएं जताई जा रही है। मेरे सहयोगी संदीप के साथ में योगेश सेमवाल, देहरादून।